तो मुझे अंदाजा है इस बात का। अब मैं आपका जो आखिरी सवाल था उस पर आ जाऊं। देखें, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो मुल्क का आईन है उस और कानून है उसकी नज़र में। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाल जाएं और उन्होंने इलेक्शन कराने के हवाले से पूरा एक शेड्यूल और एक मंतक पेश किया है कि क्यों कब तक वो हल्का बंदियां करेंगे, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। वो मेरे पास भी है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा वो डिटेल्स तारीख देकर, लेकिन ये उनका काम है और ये आपके इल्म में भी है कि ये मामला एक हद तक सब जूडिस भी है, क्योंकि एक जमात या कुछ हमारे जो कानूनी माहरीन हैं वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं, ये जो सेंसस CCI ने जो किया है। तो ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आईन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराने हैं, कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम एक घंटा एक मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मेरे पास तो पतली गली का रास्ता है, इधर से आके मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा।